कितना अच्छा है ना। देखो गाइस आयु का डॉगी भी आ गया है। कौन सा वाला पालेगा? सो गाइस दुकान तो बंद है भाई आज तो इस वजह से जो है कि चाय टाइट तो नहीं होगी। चाय खैर फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी हाँ अरे थोड़े चाय टाइट। सो गाइस 2-3 दिन से ना ब्राउनी भाई परेशान हो गई थी बेचारी, तो भाई भी आ गई तो अच्छा ही है। थोड़ी देर में मैं क्या करूँगा ना हलवा वगैरह खिलाऊँगा उसको। और ये देखो भाई हमारे टुन्नू और मुन्नू। ओ बाबूजी कैसे हो कैसे हो। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। एक आध दिन से भाई मैं सोच रहा था कि अपनी साइकिल का अगला वाला टायर थोड़ा सा जो है कि हवा कम हो रही है उसमें हवा भर के लाऊँ, क्योंकि अभी पंप नहीं है। पंप मैं तभी लाऊँगा जब मैं पिथौरागढ़ जाऊँगा, और पिथौरागढ़ जाना भाई भी हो नहीं पा रहा है यार। एक राइड भी जाएगी अपनी वर्धा की मार्केट की, शाम के 4 बजे हैं, भी काम भी हो जाएगा। अब दुकान खुली होगी तो ठीक है भाई, हवा भर जाएगी अगले टायर में। दुकान बंद होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि साइकिल रेस नहीं पकड़ पा रही है ना। तो एक काम करते हैं, पहले निकलते हैं मार्केट को, देखते हैं भाई फटाफट ये वाला काम हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो हाय क्या कर लो। मैं ना इसमें हवा भरने आ रहा हूँ, तो इस वाले में हो रही है गाइस हवा कम। ये साइकिल में नहीं तो थोड़ी कम होती है, उससे रेस नहीं पकड़ती है ना। इस वाले में पिछले वाले में सही है। ये देखो ये नहीं दब रहा है ना, बट ये वाला दब रहा है। देखो ये इतना दब रहा है ये ना, थोड़ी सी चाहिए इसमें हवा। सो गाइस बाइक जहाँ मैं काम कराता हूँ जोशी जी के वहाँ, बाइक का अगर वहाँ पर हवा भर जाती है इसमें तो ठीक है। मैंने उनसे बात करी तो वो कहते एक बार लाना, देखते हैं भाई, क्योंकि उसका जो है ना प्रेशर वो तेज़ रहता है। और इसमें क्या है कि जो वाल्वे हैं, हेलो कैसे हो, हाय गाइस, इसमें जो वाल्वे हैं भाई वो इस तरीके के हैं और बाइक के होते हैं छोटे से, ठीक है। देखते हैं भाई वहीं पर ले जाके एक बार जोशी जी के वहाँ पर दिखाएंगे, वहाँ पर हवा ठीक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर आगे चचा की दुकान है साइकिल की, वहाँ ले जाएंगे, ठीक है अब साइकिल में काफ़ी लोगों ने मुझे साइकिल में नहीं देखा भाई, आज देख लेंगे क्योंकि मैं सवेरे चले जाता हूँ तो उस समय काफ़ी दुकानें बंद रहती है भाई, है ना। तो आज काफ़ी लोग मेरे को देखेंगे साइकिल में भाई। यार बारिश ना आए यार, बारिश आने लगती है, बारिश में ना गोबरो भीग जाता है तो फिर टेंशन हो जाती है भाई मुझे। चलो पहले यहाँ पर देखते हैं जोशी जी के यहाँ पर भाई ये यार था इसमें। चलो भाई बारिश आ रही है तो मैं थोड़ा अंदर हो जाता हूँ। तो ये है गाइस ना, ये है भाई हवा भरने वाला। अब ये साइकिल में जाता नहीं जाता देखते हैं भाई। खाली अगले वाले में थोड़ी कम हो रही है यार, तब से रेस नहीं पकड़ी ना खाली। थोड़ी और ठीक है ना, टाइट बात ठीक है। सवेरे में जब मैं जाता हूँ ना रेस नहीं आती हाली, हालांकि चैन में टाइट हो जाएगी जी, चैन नहीं होगी इसकी, चैन वाली का जाना पड़ेगा ये, हालांकि इसमें भी डाली होगी। अगले में अगर टाइट ना हो ना साला रेस नहीं पकड़ पाती है। सही तो है आप सही आधी नहीं जम रहा हजम होने चाहिए ना हजम। सो गाइस हवा तो भर गई भाई, बट क्या है ना थोड़ी चैन ढीली हो रही है इसकी, तो लगे हाथ भाई चैन बना लेते हैं इसकी। ठीक जोशी जी कह रहे हैं कि चैन मेरे बस की नहीं है, बोल रहे हैं हवा तो हो गई। चलो भी इस बात का टेंशन नहीं है कि भाई हवा भर रहे कहाँ जाए। आज घोड़ा घास खाने गया है। क्या बात है भाई, आज शाम को मैं पहली बार आया हूँ साइकिलिंग करने। वाह नहीं जबरदस्त है। आ रहा तो इसी गली से अंदर को जाना है भाई हमने, देखते हैं कि नहीं बोला। तो गैस दुकान तो बंद है भाई आज। तो इस वजह से जो है कि चैन टाइट तो नहीं होगी, चैन खैर फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी। है चल साले क्या देखो साले बटवा कुछ लेके नहीं आया। है मिलते हैं फिर। कबीरा आ रहा हूँ। अरे भाई सो गैस साइकिल थोड़ी भाग तो रही है यार, थोड़ी हल्की हो गई है साइकिल। ये देखो क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया। हो क्या रहा था ना जब मैं सुबह सुबह चल रहा था तो रेस नहीं पकड़ी थी भाई, बट अभी क्या है कि रेस भी पकड़ रही है और मज़ा भी आ रहा है भाई साइकिलिंग में। मैं सोच रहा था कि भाई मैं पंप लूँगा, बट अब पंप लेने की भी कोई दिक्कत मतलब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिक्कत दूर हो चुकी है। हैं नहीं यार सब डांट बेटा, आयुगी तो चल पड़ी, आयुगी तो चल पड़ी। ये 1000 रुपये में बेचेगा अब आयु, दिखा कहाँ है ओ बबली। कितना अच्छा है ना, देखो गाइस मैं तो ये वाला पालूंगा। आयु का डॉगी भी आ गया है, कौन सा वाला पालेगा? सब डांटे को कब भी आई कल। मिठाई नहीं खिलाओगी फिर अब? बेटा सब डांट, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं, कुदरत का करिश्मा नहीं भाई, किस्मत देखो ना 5 के 5 ढाट। बेटा देखो दोस्तों आयु का डॉगी भी आ गया। क्या क्या खिलाया तुमने इसको? हलवा, हलवा भी खिला सकता है, अभी सूजी का हलवा बना के लाना, खिला देना। मैं अभी बना के लाऊंगा थोड़ी देर में, खिला दूँगा जिसमें टाइम मिलेगा ना। भूख लग रही है। चलो 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 इनको साइड करो, इन्हीं तो ये बच्चों को काटेंगे, बच्चों को काटेंगे भाई। बच्चों को वो कर रहा है, परेशान कर रहा है ना। अंदर ही घुस रहा है भाई, कितना अच्छा है क्वीट से। काला गजब रखा है यार, हमारी बकरी है वैसे रखा है काला ना। गजब गजब, ये देखा पिछली बार भी सफेद ऐसा ही हुआ था। हाँ यार लेकिन इस बार पूरा सफेद नहीं हुआ। अच्छा ऐसा ही हुआ है पिछली बार का, यही तो है, यही वाला है। इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया ब्राउनी का बच्चा। और इसके भाई लोग हुए हैं 5। सो गाइस 2-3 दिन से ना ब्राउनी भाई परेशान हो रही थी बेचारी, तो भाई भी आ गई तो अच्छा ही है। फिर मैं क्या करूँगा ना हलवा वगैरह खिलाऊँगा उसको। और ये देखो भाई हमारे टुन्नू और मुन्नू, ओ बबली कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। थोड़े बड़े तो हो ही गए हैं हाँ दोस्तों, ये ना वे नहीं हुए, थोड़े बड़े लग रहे हैं। नहीं लग रहे हैं आपको हमारी बकरियाँ? और ही बड़े हो गए रामू और शामू। सो गाइस हाथ मुँह धोके और सर धोके हो गया हूँ भाई मैं फ्रेश, और आज धूप भी है तो मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तीन चार दिन के बाद आज धूप निकली है भाई। हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता, यहाँ बादल हैं, यहाँ सूर्य देवता हैं। कल देखा था भाई मैं साइकिल की जो है कि हवा भराने गया था और चैन टाइट कराने, वहाँ तो भर गई भाई लेकिन चैन टाइट नहीं हो पाई थी, जिसके कारण भाई आधा अधूरा ही काम रहा। अब चैन टाइट करानी भी ज़रूरी है क्योंकि भाई सवेरे सवेरे मेरी आजकल काफ़ी लॉन्ग राइड हो रही है साइकिल में। और भाई आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना भाई साइकिल वाले वीडियो में, ओहो भाई सच कहूँ तो मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि आप साइकिल वाली वीडियो इतने पसंद करेंगे, तो उसके लिए दिल से आपको थैंक यू सो मच। तो अभी निकलते हैं मार्केट की तरफ भाई। तो काफ़ी अच्छा लगा यार मेरे को ना जो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, क्योंकि सुबह का जो व्यू होता है ना भाई बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। तो मैं कोशिश करता हूँ भाई हर दिन कुछ नया दिखाने के लिए आपको ना, ताकि मुझे भी हर एक रूट का पता चलता रहे और आप व्लॉग देखकर बोर ना हो। तो कल फिर जब आया मैं घर, खाना वाना खाया, उसके बाद एडिटिंग में बैठ गया था, फिर टाइम भी हो गया, तो उसके बाद मैंने कहा चलो कैमरा रखा जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना भाई काम बढ़ गया है। गोप्रो से भी शूट करता हूँ, फ़ोन से भी शूट करता है, हेलो गोप्रो से भी शूट करता हूँ और फ़ोन से भी शूट करता हूँ, तो फिर डबल कैमरे हो गए हैं भाई। जितने ज़्यादा कैमरे आप व्लॉग बनाने के लिए यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एडिटिंग में फिर आपको सर दर्द भी झेलना पड़ेगा, ये एक सच है भाई, ठीक है। तो सवेरे भाई जो व्लॉगिंग करता हूँ मैं गोप्रो से करता हूँ साइकिल, क्योंकि चेस्ट में वही माउंट होता है और फिर गोप्रो से क्लियरिटी भी बहुत अच्छी आती है ना यार। तो जब कल घर आया तो उसके बाद गो की चिप निकाली और आपका फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो गई, तो फिर काफ़ी काम बढ़ गया था। तो उसके बाद मैंने भी कैमरे रख दिए, एडिटिंग के बाद फिर खाना वाना खाया, उसके बाद भाई सो गया मैं। तो ये चल रहा भाई बिजी शेड्यूल, ठीक है, ठीक भी है भाई, समय का पता नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गई पता नहीं चलता है, अच्छी बात है। सो ठीक है गाइस, फिर अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग भी पसंद आया होगा, और व्लॉग्स की तरह पसंद आएगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मर्जी आपकी फ़ोन आपका, वही डायलॉग। सो ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत और प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।